तो आज के दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो तिरुपति बालाजी की जो बड़ी सी मूर्ति बनाई है, तो फिर कैसे बनाई है। तो आज के दिन मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगा, और इतनी बड़ी मुझसे बन पाई है मूर्ति, और फिर इससे छोटी मूर्ति मुझसे बन नहीं पाई जो कि टेम्पल के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि इससे छोटी बनाऊंगा तो फिर वो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं आएंगे, तो फिर इतना ही हाइट इसका पॉसिबल था। तो फिर इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं टेम्पल में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम सबसे पहले गोल्ड का ब्लॉक लेंगे और फिर इसे लाइन में लगाएंगे तीन का, और फिर 3x3 इसको बनाएंगे। और उसके बाद पहले तो सबसे पॉलिश्ड ब्लैक स्टोन लेंगे, ऐसे रखेंगे, और फिर स्टेयर्स लगाएंगे इससे, ये पैर जैसा लुक देगा। और फिर हमको वाइट का कंक्रीट लेना है, वाइट कलर का कंक्रीट लेना है, और फिर 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक ऊपर लेना है। उसके बाद आपको गोल्ड का ब्लॉक लेना है, और फिर उसको भी सेम 4 ब्लॉक को ऊपर लेना है। उसके बाद वापस एक वाइट कंक्रीट लगाना है, और फिर ये बालाजी की धोती हुई है, और फिर आपके कमर पट्टा यहाँ पर बन गया गोल्ड ब्लॉक रखा के। तो फिर हमको यहाँ पे वापस से ब्लैक स्टोन लेना है, और फिर इसकी हाइट बढ़ा देनी है 4 ब्लॉक। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। और फिर उसके बाद हम मुंह बनाएंगे, गला मुंह, और फिर ऐसे करके फेस बनाएंगे। तो फिर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत शेप लेने लगा है अभी उसके जैसा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, और फिर बालाजी के हम हाथ बनाएंगे। देखिए आप देख सकते हो हम यहाँ पे हाथ बनाएंगे यहाँ पर, देखिए ऐसा आपको स्टेयर्स को रखना है, और फिर ऐसा ये बन गया। तो फिर ऐसे ही बनते ही हमारा लेफ्ट हैंड बन गया है। अब हम राइट हैंड को बनाएंगे, और उसके बाद हम राइट हैंड को बनाएंगे। ये देखिए इसको भी ऐसे ही करने का है, और फिर उसको आपको यहाँ तक लाना है, और फिर एक ब्लॉक एक्सटेंड करके यहाँ पे आके नीचे, सॉरी माफ़ कीजिए, और यहाँ पे आके नीचे आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे स्टेयर से लगाना है। नहीं, एक और ब्लॉक एक्सटेंड कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आके आप स्टेयर लगाइए, ऐसे आपको लगाना है आशीर्वाद देने वाले हाथ वाले जैसा बन गया अभी है। और उसके बाद आपको बालाजी को गोल्ड ऑर्नामेंट पहनाना है, उसके लिए आपको गोल्ड का ब्लॉक लेना है, और जिस ब्लॉक को मैं तोड़ रहा हूँ आपको वैसे ही तोड़ना है, और फिर उसको गोल्ड ब्लॉक से रिप्लेस कर देना है। ये देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, और उसको देखिए आप उससे उस स्टेचू से सिमिलर हो रहा है। और फिर यहाँ पर भी हम गोल्ड का ब्लॉक लगा देंगे, ये देखिए अभी ये बन गया है यहाँ पर। और फिर हम यहाँ पे मुकुट भी लगा देंगे बालाजी को, देखिए पीछे भी लगा दीजिए, और फिर यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक इस साइड भी और इस साइड भी। ये देखिए अब ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो गया है। और फिर अब वो हमें टीका लगाना होगा, वो जो बालाजी का वो टीका होता है ना, तो फिर हमें वो लगाने के लिए हमें अभी लूम लेंगे। लूम लेते हमको रेड बैनर लेना है, और फिर रेड बोन मिल लेना है, और फिर आपको ये वाला सेलेक्ट करना है जो मैंने सेलेक्ट किया है ना, आपको वो सेलेक्ट करना है। और फिर ये देखिए वो बालाजी का आपको वो टीका यहाँ पर बन गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर ऊपर जाके आपको इसके माथे पे लगाना है आइडल के। ये देखिए अब हमारी आइडल जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। मुझे कमेंट्स में बताना कि अच्छे से बनी या नहीं, रियलिस्टिक बनी या नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और फिर हम यहाँ पे थोड़ा डेकोरेट करेंगे बालाजी की मूर्ति को, हम पे लीव्स लेंगे, और फिर यहाँ से हम पूरी तरीके से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए हम यहाँ से आएंगे और डेकोरेट करना चालू कर देंगे, मतलब डेकोरेशन हो रहा है। आप अपने मन मुताबिक आप यहाँ पे डेकोरेशन कर सकते हो। अगर आप कभी टेंपल बनाओगे तो फिर आप इस मूर्ति को यूज़ कर सकते हो, थोड़ी बड़ी है लेकिन चल जाएगी, मतलब टेंपल में लगाने लग चल जाएगी ये मूर्ति। तो फिर ये वैसे ही मूर्ति को मैंने बनाने का ट्राई किया है, इससे छोटी तो बन ही नहीं सकती थी मूर्ति, क्योंकि मैंने इसे पहले भी ट्राई करके देखा है कि इससे छोटी मूर्ति नहीं बन रही थी। तो फिर अगर आपको आइडल पसंद आई है, आपको ये वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।